वहीं कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया। आयोग ने इस बात की जानकारी मांगी कि अब तक इस मामले में पुलिस और प्रशासन की आखिर क्या भूमिका रही है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की भी मांग की। वहीं अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री बिसाहूलाल सिंह पर मामला दर्ज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर कथित अमर्यादित बयान पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी ने इसकी शिकायत की थी। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशित विश्वनाथ सिंह ने कहा कि वो मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और बिसाहूलाल पर मानहानि का केस दर्ज करेंगे। मेरे धर्म पत्नी है, जिसका चाल चरित्र ही खराब हो वही दूसरे के बारे में उंगली उठा सकता है। मेरे धर्म पत्नी है और मेरे दो बच्चे हैं और आज जिस तरह के अनर्गल उन्होंने बयान दिया है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा, मानहानि के दावा करूंगा कि उन्होंने इस तरह के जो कृत और झूठे आरोप जो मेरे परिवार में लगाया है। वहीं इधर मंत्री बिसाहूलाल सिंह को नोटिस भी जारी हुआ है। राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज की थी। भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर राज्य महिला आयोग के पास लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। इंदौर से विवेक खंडेलवाल द्वारा ईमेल पर प्राप्त शिकायत पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए भाजपा प्रत्याशी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। तो मैं अपने पिता समान मानते थे, लेकिन वो मेरे पति, वो चुनाव लड़ रहा है तो गंदा आरोप लगा रहा है। मेरे को बोलता है कि वो मेरी बेटी और बेटा पूछ रहा है, नहीं देख रहा है कि क्या मम्मी ऐसे बोलते हो कर बोल रहे हैं। मेरे जनता को क्या असर पड़ेगा? अनुपुर भाई बहनों, हर लोग पूछेंगे तो इसका क्या जवाब होगा?